क्या ग्वार में आने वाली है तेजी? क्या रहेंगे ग्वार के भाव? तेजी मंदी रिपोर्ट देखिए पूरी वीडियो। विदेशों में ग्वार गम व गम के भाव बढ़ने से निर्यातकों की चौतरफा लिवाली निकलने लगी है। पिछले सीजन के उत्पादन में कमी होने से मंडियों में ग्वार का स्टॉक ज्यादा नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 5,400 रुपए ग्वार अगले दो माह में बिक सकता है। ग्वार का पुराना स्टॉक इस बार उत्पादक व वितरक मंडियों में लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले दो महीने से मांग कमजोर होने से बाजार दबा हुआ था। यही कारण है कि रुक रुक कर काफी भाव नीचे आ गए हैं तथा गम मिलें खाली चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गम के भाव सुधर गए हैं। गम मिलों के पास निर्यात के सौदे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अहमदाबाद के साथ साथ सिवानी, भिवानी, दादरी लाइन में भी ग्वार की आपूर्ति फिर से टूट चुकी है। अब स्टॉक के पड़े माल ही बिक रहे हैं। यही कारण है कि पिछले एक पखवाड़े में 100 रुपए की बढ़त पर 4,850 बटा 4,875 रुपए प्रति क्विंटल भाव हो गए हैं। जोधपुर में गम का स्टॉक गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30% कम है, जो आगे तेजी का कारण बनेगा। नई फसल आने में समय बाकी है, डिब्बे में बिके हुए माल की डिलीवरी देना भी बाकी है। इन परिस्थितियों में ग्वार 5,300 रुपए प्रति क्विंटल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है तथा गम भी 10,000 रुपए को पार कर सकता है। हम मानते हैं कि राजस्थान गुजरात से बिजाई अधिक होने की खबरें आ रही है, जो निराधार प्रतीत हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान एवं हरियाणा में बाजरे के ऊंचे भाव होने से किसानों ने सबसे अधिक बाजरे की बिजाई की है। दूसरी ओर कारोबारी ग्वार की खेती से पीछे हटने लगे हैं। जिला हनुमानगढ़ लाइन में जरूर ग्वार की बिजाई कुछ अधिक बता रहे हैं, लेकिन चारों तरफ सकल उत्पादकता में कमी के आसार हैं। सटोरियों के माल मंदा करके सेटल में